और इसी तरह से जगह जगह पर आजादी का उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। एक और खबर ट्रक की ओर रुख कर लेते हैं। भिवानी में तेज बारिश में भी देशभक्ति का जज्बा यहाँ पर देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देखिए, भिवानी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बरसात हो रही थी और उसके बावजूद भी डीसी महावीर कौशिक यहाँ पर पहुंचे इस कार्यक्रम में और उन्होंने ध्वजारोहण किया। बारिश के बीच यहाँ पर आजादी का यह उत्सव मनाया गया। डीसी महावीर कौशिक ने परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण किया। आजादी का उत्सव, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर उत्सव जो है वो मनाया गया। पानी भरा हुआ है नीचे, लेकिन उसके बावजूद भी, ग्राउंड में पानी भरा होने के बावजूद भी यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और आजादी का उत्सव मनाया गया। तस्वीरें उस जोश व जज्बे को बयां करने के लिए संभवतः या पर्याप्त है जो कि देशभक्ति से लबरेज है। आप देख पाएंगे ये तस्वीरें भिवानी के भीम खेल परिसर की, झमाझम बारिश के बीच यहाँ ध्वजारोहण के लिए खुद मुख्य अतिथि पहुंच रहे हैं। आप देख पाएंगे तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर उपायुक्त ध्वजारोहण के लिए भिवानी में पहुंच रहे हैं। भारी बारिश, तेज बारिश और तेज बारिश के बीच की ये तस्वीरें यहाँ पर देखी जा रही हैं और इस बारिश के दौरान का ये आलम है जहाँ भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक के द्वारा ध्वजारोहण किया जा रहा है। चारों तरफ बारिश का आलम, चारों तरफ पानी ही पानी देखा जा रहा है और जिस तरह से लगातार मौसम में जो तब्दीली देखी गई थी उसके बाद से यहाँ ये आलम देखा गया है। परिसर की ये तस्वीरें जो ये बताने के लिए संभवतया ना केवल पर्याप्त हैं बल्कि वो तमाम चीजें दर्शा रही हैं कि आखिर किस तरह से देशभक्ति का जज्बा लोगों में कायम है। खासतौर पर अगर पुलिस अधिकारियों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, स्कूली बच्चों की बात करें, यहाँ देखे जा सकते हैं। अभी परेड की सलामी ली जाएगी, आप देख पाएंगे एनसीसी कैडेट्स, महिला पुलिस के जवान, पुरुष पुलिस, तमाम लोग यहाँ साफ तौर पर इस भीषण बारिश के दौरान, भयंकर बारिश के दौरान ध्वजारोहण के बाद इस 78वें स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें भिवानी की हैं जहां आप देख पाएंगे भारी बारिश के बीच परेड की सलामी भिवानी के उपायुक्त के द्वारा ली जा रही है। हालांकि सांसद धर्मवीर सिंह को यहां आना था लेकिन किन्हीं कारणों से वो इस कार्यक्रम में शरीक नहीं कर पाए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए भिवानी से सहयोगी सुमित के साथ रवि चंद्रा।